को देख के किसी के मुंह में पानी आ जाता है फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ हलवाई स्टाइल मिल्क केक। इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। और इस तरह से बनाएंगे ना फ्रेंड, तो बहुत ही टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए कोई भी एक मोटे तले के बर्तन ले। तो मैं यहाँ पर पैन ली हूँ, उसमें डाल देंगे 1 कप की इतना पानी। पानी डाल देंगे तो दूध हमारा तले में छिपकेगा नहीं, और दूध पानी जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल रहे हैं 2 लीटर दूध डाल रहे हैं, फुल क्रीम दूध है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 2 लीटर दूध में मैं बता दूँ, इसमें ये मिल्क के 1/2 किलो बनकर तैयार होता है 2 लीटर दूध में। तो देखिए यहाँ पर दूध को अच्छे से उबलने देंगे, और जो भी मलाई आएगी ना तो दूध में मिक्स करते जाएंगे, और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अभी तो ऐसे ही चलाते हुए दूध को हम पकाएंगे फ्रेंड। ये घर पे बहुत अच्छा, कम सामान में भी जब भी आपका मन करे 1 लीटर दूध में भी बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए दूध हमारा काफ़ी कम हो गया था, दूध पकते पककर आधा कम हो गया है, आप देख सकते हैं पैन में दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसमें ना इसको दानेदार बनाने के लिए मैं ली हूँ छोटी सी सिट्रिक एसिड यानी टार्टरिक। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 1 छोटी चम्मच विनीगर ले लें, और उसमें पानी में मिक्स करके डाल लें। अगर ये सिट्रिक एसिड का भी ज़्यादा रहेगा ना तो दूध हमारा फट जाएगा, दानेदार नहीं बनेगा। इसे पानी में घोल के अच्छे से हम डालेंगे, आप चाहो तो इसे बिना पानी में घोले ही डाल सकते हो, पर पानी में घोल के डालेंगे तो अच्छी और बनती है, पता नहीं ऐसे दूध भी फट जाए इसलिए। इसे हम मिक्स करते जाएंगे, अभी देख रहे हैं कि दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, हमारा दूध मात्र 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बच गया है पकते हुए। तो अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो फ्रेंड हम इसमें चीनी डाल रहे हैं 200 ग्राम से, थोड़ा सा कम ही है चीनी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी मीठी कम खाया जाता है, मीठा कम खाते हैं लोग, इसलिए ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो कोई नहीं खाएगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 200 ग्राम चीनी डालें इसमें 2 लीटर दूध में। अब इसमें क्या करेंगे ना, दूध को और चीनी को पकते हुए आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच घी, देसी घी लिए हैं, और उसको डाल देंगे। इसको डाल के भूनेंगे ना तो केक पर अच्छी शाइनिंग भी आएगी और भी टेस्टी बनेगा और सॉफ्ट बनेगा ये केक। और इसको हम भूनेंगे फिर से फ्रेंड। यहाँ पर हमको लगभग पकाते हुए 2 लीटर दूध में 45 से 1 घंटा के समय लगा है, इसके बीच में बना है ये केक, इतना देर हमने इसको पकाया है। अब देखिए अभी पक रहा है, तब तक हम अपना जिस बर्तन में हमको केक जमाना है, आप कोई सा भी बर्तन ले ले, आप केक टिन ले या मोल्ड ले, कोई भी ले, उसमें तेल या घी बटर कुछ भी उसको लगा ले अच्छे से, या इसमें बटर पेपर डाल दे। मैं यहाँ पर आपसे बोलूँगी आप बटर पेपर डालो तो बहुत अच्छा होता है, पर मेरे पास का अभी ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने नहीं डाला। अब देखिए हम तब तक अपना दूध देख लेते हैं। तो ये दूध जमने के लिए परफेक्ट हो गया है। अब इस समय पर हम जमाएंगे ना तो बहुत अच्छा ये जम जाएगा। तो देखिए अब सारे को मिक्सचर को केक के हमने इस टिफिन में निकाल लेंगे, अच्छे से गैस को कर दिए हैं बंद, अब निकाल लेंगे हम। और देखिए ये थोड़ा सा भी फैल नहीं रहा है, यानी जम जाएगा ये अच्छे से। अब हमारा इसको एक पलटे की सहायता से हम बराबर कर लेंगे, और फिर इसको ढक कर ना हम 5 से 6 घंटा के लिए रखेंगे फ्रेंड। यहाँ से कम आप 5 से 6 घंटा ज़रूर रखिएगा, इसके बीच में आप खोलेंगे ना तो केक आपका थोड़ा कम जमेगा। और ये देखिए 6 घंटे बाद कितना अच्छा से केक हमारा सेट हो गया है। अब क्या करेंगे कि नाइफ की सहायता से हम केक के चारों तरफ कट लगा देंगे, और कट नहीं लगाएंगे तो एक केक हमारा अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम देखिए चारों तरफ कट लगा दिए हैं। अब किसी भी प्लेट में इसको पलट लेंगे और इस पर थोड़ा टैप टैप कर देंगे, और
टैप टैप करेंगे थोड़ा सा और फिर निकालेंगे। अगर ना निकले ना फ्रेंड, तो आप जिस बर्तन में जमाए हो उसे थोड़ा सा गर्म कर ले, अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए केक हमारा अच्छे से निकल गया है। अब इसे हम कट करेंगे और आपको दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है केक और दानेदार भी बना है। इसमें हमने सूजी का थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं किया है, बस ये मावा ही है, बस मैंने दूध से ही बनाया है। और देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार हमारा केक बना है। तो इसे अब हम कट कर लेंगे, जैसे पीसेज में हम कट करेंगे, आप अपने मर्जी से किसी शेप में भी इसे कर सकते हो, पर ये हलवाई स्टाइल हम कट करेंगे पीसेज में। तो सारे केक को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे केक को कट कर लिया है। अब इसके ऊपर से आप चाहो तो गार्निशिंग करो, नहीं चाहो तो नहीं करो, पर इसमें थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर दे रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट है और इसमें थोड़े से हम केसर से गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है केसर का इस केक में। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा परफेक्ट हलवाई स्टाइल मिल्क केक बनकर रेडी हो गया है। आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की ये रेसिपी कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आए। रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पे प्लेस करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर फ्रेंड।